हेलो फ्रेंड्स, ये है पाठ योजना 10। विषय है वाणिज्य, प्रकरण है चेक। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, ये कॉमर्स का लेसन प्लान है। दिनांक कक्षा, कालांश अवधि, ये इसका पूरा फॉर्मेट है, देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं प्रस्तावना प्रश्नों पर। यह है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, फिर आते हैं विकासात्मक प्रश्नों पर। ये विकासात्मक प्रश्न है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो होगा समस्यात्मक। चेक का क्या अर्थ होता है, ये होगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है वो होगा चेक का अर्थ। छात्र अध्यापक कथन में आएगा चेक का अर्थ। और श्याम प्रसार में आएगा चेक के तीन पक्ष होते हैं, लेखक, लेनदार, देनदार। और लास्ट में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, देनदार किसे कहते हैं। ये इसका पूरा फॉर्मेट है, देख लीजिए जी। अगले विकासात्मक प्रश्न है, और फोर्थ क्वेश्चन है चेक कितने प्रकार के होते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र अध्यापक कथन में चेक के प्रकारों को हम बताएंगे, चेक के कितने प्रकार हैं। श्याम प्रसार में चेक के तीन प्रकार होते हैं, बाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक। और एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, आदेशित चेक किसे कहते हैं। फिर ये अगले विकासात्मक प्रश्न। फिफ्थ क्वेश्चन है समस्यात्मक प्रश्न, चेक का वर्गीकरण मूल्यों के आधार पर कैसे करते हैं, ये होगा समस्यात्मक प्रश्न। चेक का वर्गीकरण ये अगला शिक्षण बिंदु है। ये अगले विकासात्मक प्रश्न है। फोर्थ क्वेश्चन होगा समस्यात्मक प्रश्न, चेक की क्या विशेषताएं होती हैं। चेक की विशेषताएं, छात्र अध्यापक कथन में चेक की विशेषताओं को बताएंगे। ये चेक की विशेषताएं हैं, और यहाँ पर श्याम प्रसार लिखेंगे चेक की विशेषताएं। लिखित व निरक्षर कार्य, ये अगला शिक्षण बिंदु होगा। और एक बड़ा सा स्यापट बनाकर यहाँ पर लगा देंगे। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु है मूल्यांकन का। इसमें हम चार या तीन क्वेश्चन पूछेंगे, ये है मूल्यांकन प्रश्न और इनके उत्तर हैं। फिर जो हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु होगा वो होगा गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक छात्रों को घर से गृह कार्य करने को देगी, ये गृह कार्य है। ये था हमारा कॉमर्स का लेसन प्लान। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।